अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कि जिसमें मैं आप लोगों के सवालों के जवाब शॉर्ट सी वीडियो, यानी एक दो मिनट की वीडियो जितनी भी हो सके उतनी वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं। तो आज वो सीरीज़ का मेरे ख्याल में तीसरा सेशन है। तो तीसरे सेशन में मुझे एक सवाल भाई ने पूछा, एयर बैग को बाईपास करने का तरीका। तो मैं इंशाल्लाह उसका मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और उसके बाद मेरा एक दूसरा चैनल है उसका भी लिंक लगा दूंगा। वो मेरी अदर लाइफ के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में मैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं मतलब कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। सबसे फर्स्ट ऊपर आपको कार मेंटेनेंस के नाम से एक कमेंट मिलेगा जिसमें वही लिंक होगा, उसको आप ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप ग्रुप में इंटर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट से वीडियो होनी चाहिए। उन भाई का मैसेज आपको सामने शो हो रहा होगा अभी, उनका कमेंट, उनका ये कमेंट था कि हम अगर आप गाड़ी की कोई भी मतलब ब्रेस्ट मतलब ब्लेस्ट हो जाए, मतलब एयर बैग निकल जाए, तो उसको हम बाईपास एयर बैग को रेजिस्टेंस लगा के हम कैसे कर सकते हैं। पहले सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस हमें क्यों लगाना पड़ता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो एयर बैग सेंसर के अंदर भी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन हम ना उसको बाईपास करते हैं। रेजिस्टेंस सेंसर को हम बाईपास करते हैं एक आम सा रेजिस्टेंस लगा के। तो दोनों का काम फंक्शन सेम ही होता है, लेकिन इसको कहाँ लगाया जाता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेजिस्टेंस लगाया क्यों जाता है, किस सूरत में आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस इस सूरत में लगा सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का एयर बैग क्रैश नहीं हुआ, अगर आपकी गाड़ी का एयर बैग क्रैश नहीं हुआ तो आप रेजिस्टेंस लगा के उसको चालू कर सकते हैं। लाइट मतलब अगर आपकी गाड़ी का कोई एयर बैग की लाइट यानी सेंसर कोड नहीं छोड़ा, फॉर एग्जांपल आपका पसेंजर साइड वाला सेंसर नहीं छोड़ा, मतलब पसेंजर साइड वाला एयर बैग सेंसर आपका वो कोड नहीं छोड़ा, तो आप उसको रेजिस्टेंस लगा के उसको मिसाल के तौर पर आप लगा के उसका कोड यानी क्लियर कर सकते हैं। वो ऐसे लगेगा यानी ECM के अंदर ऐसे लगेगा जैसे वो यानी परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि वो एयरबैग नहीं निकलेगा क्योंकि वो डिसकनेक्ट हो चुका होगा। उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं उस मतलब स्पैरल केबल की जगह पे भी लगा सकते हैं, यानी ड्राइवर साइड पे भी लगा सकते हैं, बेल्ट की जगह पे लगा सकते हैं, यानी किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। लेकिन आप शर्त ये है कि आपका ECM क्रैश ना हुआ हो। अगर ECM आपका क्रैश हो चुके हैं, आप सेंसर वो रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी फाइल रीलोड करनी पड़ेगी, उसको रीसेट करना पड़ेगा फाइल को। उसको रीसेट करने के लिए इंशाल्लाह जब मैं वापस जाता हूँ सऊदी अरेबिया तो इंशाल्लाह आपको उसकी रीसेट फाइल करना भी बता दूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ तो इसलिए उसको बता नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए रेजिस्टेंस की, आप एक ओहम से लेकर 3 ओहम तक कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उसकी अगर मेरे पास तस्वीर मुझे मिल गई तो मैं लगा दूंगा। उसको लगाने का तरीका क्या है कि क्योंकि सारे सेंसर मतलब पैसेंजर साइड के सेंसर या मतलब बेल्ट के सेंसर या फ्लोर के सेंसर एयरबैग सेंसर की 2 वायर्स होती हैं, उसके अंदर आप इजीली उसको पुट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट की कोई इशू नहीं होता, लेकिन इशू होता है कि स्पैरल केबल की जगह पे जहां 4 केबल्स आ रही होती हैं, कुछ मॉडल्स में 4 केबल्स आ रही होती हैं, तो आपको क्या करना है कि 2 एक साइड वाली वायरों को आपस में सेंसर लगाना है, 2 को अलग, यानी जो 2 ऊपर वाली आपको नजर आएंगी मतलब ऐसे ग्रिप में 2 नीचे होंगी 2 ऊपर होंगी, ऊपर वाली दोनों को एक साथ, नीचे वाली दोनों को एक साथ, मतलब इन दोनों में भी रेजिस्टेंस, इन दोनों में भी रेजिस्टेंस, यानी 2 रेजिस्टेंस आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह बाकी इंफॉर्मेशन हम आपको बाहर जाके यानी वापस मैं काम पे जाके तो इंशाल्लाह आपको गाड़ी पे समझा दूंगा। लेकिन मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस उस सूरत में लग सकता है जिस सूरत में गाड़ी का एयरबैग ECU क्रैश ना हो। अगर ECU क्रैश हो चुका है तो आपको इसकी फाइल रिलोड करनी पड़ेगी या आपको उसका मतलब एयरबैग ECU चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब काम करने के लिए ये चीज़ें मैं बताऊँ कि अगर एक सेंसर की रिप्लेसमेंट की जगह पे, यानी फॉर एग्जांपल आप ये ना कोई बोलेगा कि उसकी ज़रूरत है आपको फ्रंट पे उसकी सेंसर की ज़रूरत पड़ेगी, वो तो सबको ज़रूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको कोड क्लियर करने का तरीका बता रहा हूँ कि बाईपास किसी सेंसर को बाईपास करने के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट में कमेंट कर दें। और उसके बाद व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगा दूंगा, और उसके बाद कमेंट्स में भी उसका मैं
लिंक पिन कर दूंगा। तो आप सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप कुछ पूछते हैं, सबसे पहले आप वीडियो की अबाउट में सबसे पहले चेक कर लिया करें, उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा।